हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अंजलि और अंजलि लाइफ स्टाइल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज है थर्सडे मॉर्निंग और आज मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मेकओवर मेरे लिविंग रूम का। थोड़ा सा ही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो जो सोफ़ा कवर है मेरे सोफे का वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं उसको एज इट इज़ ही रखूँगी। थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे मेकओवर में, तो आई होप आपको अच्छी लगेंगी। तो आप अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है लिविंग रूम में और उतनी ही चीज़ों में आपको अगर मेकओवर करना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मैं वैसे ही करने वाली हूँ, जितनी चीज़ें मेरे पास लिमिटेड है उसी को यूज़ करके रीयूज़ करके मैं मेकओवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये है लिविंग रूम, यहाँ से स्टार्ट होता है। सोफ़ा है, ये इस साइड लेफ्ट साइड में बुक शेल्फ है, ये मुझे मूव करना है, ये टी टेबल है। तो सारी चीज़ें मतलब है बट अच्छे से नहीं रखी हुई है। ये सिटिंग एरिया है, नीचे मैंने इसलिए रखा क्योंकि छोटी बेबी है तो मैं नीचे बैठ के उसके साथ खेलती रहती हूँ, इसलिए एक सिटिंग एरिया उस साइड किया है। और बाकी चीज़ें भी इस साइड है, झूला था वो झूला निकालना है और बाकी सारी चीज़ें अरेंज करनी है। तो देखते हैं अभी कि किस तरह से लिविंग रूम का मेकओवर होता है। ये मैं चीज़ें आज ही करने वाली हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सोफ़े के जो पिलोज़ हैं वो निकाल लेती हूँ एंड देन सोफ़े को क्लीन कर लेते हैं, मतलब उसका जो डस्ट है वो निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम उसमें अलग से जो भी है मेरे पास वो चीज़ मैं बिछाऊंगी। ये तो मैंने टॉवल रखा था क्योंकि मुझे थ्री सीटर सोफ़ा का अभी तक अच्छे से कवर नहीं मिला। मैंने अमेज़ोन और बहुत सारी जगह पे मैंने सर्च किया बट अभी तक मिला नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिंक सेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं डस्ट कर रही हूँ और सोफ़े पे देख सकते बहुत ज़्यादा डस्ट है क्योंकि कवर ना बिछाने की वजह से वो हो ही जाता है, कितना भी आप अच्छा रखने की कोशिश करो। तो अभी मैं इसको मूव कर लेती हूँ सोफ़े को, और जो पीछे की गंदगी है वो भी मुझे क्लीन करनी है। वैसे क्लीन है ही, फिर भी एक बार हम अच्छे से उसको झाड़ू लगा के पोछा लगा लेंगे। तो ये लैम्प भी मैं हटा रही हूँ, और आप लैम्प को देख रहे होंगे कि फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न है। मेरी छोटी बच्ची होने के कारण मैंने लैम्प को वो फ्लावर्स लगाए क्योंकि उसमें जो डिज़ाइन है वो थोड़ी शार्प है, अगर वो गिर जाता है तो वो उसको लग जाएगा, इसीलिए मैंने वो फ्लावर्स लगाए थे। बट अब मैं जो लैम्प की पोजीशन है वही चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी फ्लावर्स निकाल लूँगी और जो ओरिजिनल लैम्प की डिज़ाइन है वो आपको दिखेगी, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। ये हमने अमेज़न से परचेस किया था लैम्प, तो अभी मैं ये निकाल लूँगी फ्लावर्स और लैम्प उस साइड शिफ्ट कर लूँगी। यहाँ पे अब मैं सोफ़े का थोड़ा आगे कर लेती हूँ और बुक शेल्फ का जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल लेती हूँ। सबके घर में ऐसे होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे घर में कुछ भी चीज़ों में कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, मतलब देख सकते हैं आप सारी चीज़ों में बुक शेल्फ पे ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो ये सब मुझे रिमूव करनी है। और अभी मैं बुक शेल्फ उस साइड शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उसी कॉर्नर में रखना है जहाँ पर लैम्प रखा था। Thank you.
लैम्प के साइड में एक हुक है, वहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैं ये मनी प्लांट का प्लांट लगा रही हूँ। बहुत खूबसूरत सा लग रहा है वहाँ पे। सोफे पे मैं अभी शॉल डालने वाली हूँ। मैंने पहले बोला कि मेरे पास कोई भी कवर नहीं है सोफे का 3 सीटर, तो ये है मेरी शॉल, ये 2 in 1 है, एक साइड ब्लैक है और एक साइड रेड है, तो मैं रेड की तरफ से डाल रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा कलर लग रहा है ये सोफे पे, तो कलरफुल सोफ़ा हो जाएगा मेरा, क्योंकि 3-4 कलर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। और आपके पास भी अगर कोई शॉल या कुछ दुपट्टा ऐसे रहता है तो आप 3 सीटर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी सोफ़े के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सारा बुक शेल्फ खाली कर लेते हैं, देखते हैं। सैनिटाइज़र की इतनी सारी बॉटल्स वहीं पे पड़ी थी बुक्स के साथ, ये भी रिमूव करनी है वहाँ से, और बुक शेल्फ पूरी तरह से हम खाली कर लेते हैं और उसको क्लीन कर लेते हैं। बहुत सारा धूल चढ़ा है इस पे, बहुत सारा, और बुक्स भी ख़राब हो रहे हैं एक्चुअली। ये बुक्स है, अभी इसमें से मैं पहले सिलेक्ट करूँगी कि कौन से यहाँ पे रखने हैं, और जो एक्स्ट्रा के बुक्स हैं वो मैं यहाँ नहीं रखूँगी। जितनी भी चीज़ें अभी दिख रही है सारी मुझे रिमूव करनी है। इधर के साइड का जो मेकओवर था वो डन हो गया है। मायरा के टॉयज़ में टीवी शेल्फ के नीचे जो ड्रॉअर दिख रहा है उसी में रखी हूँ, ताकि उसको खेलने में भी इजी रहे। हॉल में ही रहती है वो ऑलमोस्ट, तो इसीलिए मैंने ड्रॉअर में ही जगह बनाई है टॉयज़ के लिए। और मायरा का झूला भी रिमूव करना है यहाँ से, तो अभी लास्ट एक बार झाड़ू लगा के पोछा लगा के यहाँ पे चटाई बिछा देनी है।